वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो इसका भी इंट्रोडक्शन तो याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हम यही पढ़ेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है तो उसके बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, और इन डिफरेंट ऑर्गन्स के जो एक साथ मिलकर काम करने को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो अब ये कैसे हो रहा है ये आपको हम आज समझाएंगे। तो याद रखिएगा, द ऑर्गेनिज़म्स हैव टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन ऑर्डर टू लिव। देखें, एक जो जानदार होता है उसको ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे उसने डाइजेशन करनी है, अच्छा, या उसने एक्सक्रीशन करनी है, उसने रिस्पायरेशन करनी है। तो ये सारे काम याद रखिएगा स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ज़िंदा रहने के लिए कर रहे हैं परफॉर्म। टू अचीव दीज टास्क देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन। एक तो इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राबता होना चाहिए। किन का? एमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, एक तो मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो किसी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका आपस में। जब इन सब का क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स का आपस में जो है कोऑर्डिनेशन होगा, तब जाके एक प्रॉपर एक्टिविटी होती है या एक रिस्पांस मिलता है जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को यानी सर्वाइव के लिए आसानी होती है। अब इस कोऑर्डिनेशन को हम आपको एक एग्जांपल्स के ज़रिए समझाते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, कभी कभार आपसे हुआ होगा, हाउ हैव यू एवर हैव टच सम हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली। कभी गलती से क्या हो जाता है, हमारा किसी गर्म ऑब्जेक्ट में हाथ लग जाता है। कैन यू रिकॉल व्हाट यू डिड सडनली। तो आपको याद है बेटा कि आपने अचानक से क्या कर दिया था, तो आप क्या कर देंगे, यू मस्ट हैव रिमूव योर हैंड इमीडिएटली फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, ऐसा हो तो किसी हॉट ऑब्जेक्ट में अगर हमारा हाथ चला जाता है तो हम इमीडिएटली उसको क्या करते हैं, उस हॉट ऑब्जेक्ट से रिमूव कर देते हैं। और अब इसका रीज़न, अब देखें ये चीज़ समझने वाली है स्टूडेंट्स कि डू यू नाउ हाउ एंड व्हाई यू डिड दैट। आप समझते हैं कि बच्चे ये कैसे हुआ, कैसे आपको पता चला कि आपके जो है ना हैंड किसी हॉट चर्गे में चला गया है और फिर आपने इस पर जो अचानक से उसको उठा लिया, रिमूव कर लिया, ये कैसे हुआ। तो इसी को आज हम समझाएंगे। तो याद रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म एडजस्ट करते हैं देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस, यानी इन्वायरमेंट के अंदर जितनी चेंजिंग आती है उसके हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो अब ये जो एडजस्टमेंट उस वक्त पॉसिबल होती है बच्चे, जब मुझे अपने आने वाली चेंजेस का पता चले। अभी जैसे सर्दियों का आना, ये एक क्या है बच्चे, चेंज है, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो ये आपने एक डिटेक्ट किया चेंज को कि भाई सर्दी आ रही है, तो अब उस पर आपने क्या किया, फिर एनालाइज़ किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर ब्रेन ने इशू कमांड, ब्रेन ने फिर कमांड दिए, कहा जी सर्दियाँ आ गई तो कोई गर्म कपड़े पहन लो, गर्म चीज़ खा लो। तो ये क्या हुआ, यही डिटेक्शन ऑफ चेंजेस, उनको एनालाइज करना, कमांड्स को, इसे यही कहलाता है कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दिस विल मेक नॉट ओनली सर्वाइवल पॉसिबल बट कंटिन्यूटी ऑफ द, इससे देखें न सिर्फ सर्वाइवल पॉसिबल हो रहा है बल्कि ये जो स्पीशीज़ आगे चल रही हैं, नस्लें इनकी, इसी की वजह से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कोऑर्डिनेशन आपको समझाया जिसमें क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स है वो चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर आखिर में उस पर एक्शन करेंगे, उस पर रिस्पॉन्स देंगे। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की ये डिफिनेशन आप याद रखें। अच्छा, डिफाइंड एज वेयर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सिस्टम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म मीनिंगफुल फंक्शन। याद रखिएगा, कभी भी कोऑर्डिनेशन में एक मीनिंगफुल फंक्शन करने के लिए बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं जो डिटेक्ट करेंगे चेंजेस को एनालाइज करके कमांड, इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। तो अब याद रखिएगा, ये कोऑर्डिनेशन सबसे पहले बच्चे स्टार्ट कब होती है, स्टिमुलस से स्टार्ट होती है। स्टिमुलस याद रखिएगा बच्चे, कोई भी आने वाली तब्दीली, वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। जैसे हमें भूख लग रही है तो ये चेंज तो है, लेकिन ये क्या है, इंटरनल है। और बच्चे एक्सटर्नल चेंज क्या होती है, जैसे अभी सर्दियाँ आ गई तो सर्दियाँ, बाहर का इन्वायरमेंट क्या हो गया, बाहर एयर कोल्ड हो गई जिसकी वजह से हमें सर्दी लगी, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आया ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो स्टिमुलस याद रखिएगा बच्चे, वो चेंज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में या तो इंटरनल आ रही है या एक्सटर्नल आ रही है, इसको स्टिमुलस कहते हैं।
द चेंजेस आर, अब याद रखिएगा ये चेंज तो आ गई, अब इन चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या हैं बच्चे? वो स्पेशल ऑर्गन्स जो किसी भी चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे बेटा आइज़ में होते हैं फोटोरिसेप्टर, फोटोरिसेप्टर ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी अभी जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं आँख से वो फोटोरिसेप्टर्स आइज़ में पाए जाते हैं। आइज़ होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, वो इसकी इंटेंसिटी हमें बता रहे होते हैं। इसी तरह एयर्स की बात करें तो ये हमारे पास साउंड रिसेप्टर्स हैं, यानी जितनी भी आवाज़ें हम सुनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बकरी की आवाज़ आती है तो हम बताते हैं ये बकरी की है, कोई बिल्ली की आए तो ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये साउंड रिसेप्टर्स हमें बताते हैं। नोज़ में क्या है बच्चे? केमो रिसेप्टर्स हैं, गैसेस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कहीं दूर कोई चीज़ पक रही है, कोई बिरयानी पक रही है तो हमें उसकी स्मेल आ गई तो हमने बताया यार कहीं बिरयानी, इसका मतलब क्या है? ये जो केमो रिसेप्टर्स थे इन्होंने उन गैसेस को अट्रैक्ट कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। और टंग भी एक केमो रिसेप्टर है जो सॉलिड लिक्विड्स हम चीज़ें खा रहे होते हैं उनको ये टेस्ट करके बताता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे, यहाँ एक तौवा था, एक बच्चे ने क्या किया, स्टिमुलस क्या था, यहाँ हीट थी, और यहाँ रिस्पॉन्स क्या हुआ, इसने अपना हाथ उठा लिया। तो स्टिमुलस वो चेंज है जो इन्वायरमेंट में आती है, वो इंटरनल भी हो सकती है, और इसको डिटेक्ट कौन करता है? एक सेंस ऑर्गन, और उस पर रिस्पॉन्स देता है, इसी को हम स्टिमुलस कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा रिस्पॉन्स की। तो याद रखिएगा रिस्पॉन्स, हमेशा याद रखिएगा जब तक स्टिमुलस ना हो रिस्पॉन्स नहीं आता, जब तक कोई चेंजिंग ना आए। तो वो एक्टिविटी जो परफॉर्म करे लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर रिसीविंग स्टिमुलस, किसी चेंज के आने पर जो आप एक्शन करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, वो रिस्पॉन्स की। जैसे आपका हाथ क्या हुआ था, एक गर्म बर्तन में लगा, ये जो हीट थी ये आपके लिए स्टिमुलस था, फिर इस पर रिस्पॉन्स आपने उसको रिमूव कर दिया, जो एक्टिविटी आपने क्या की कि उसको हाथ को उठा लिया, यही एक्टिविटी जो परफॉर्म की इसी को रिस्पॉन्स कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चे, ये जो रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर या तो मसल्स देंगे, क्योंकि देखिए जो आपने हाथ इसको रिमूव किया ये आपके मसल्स की वजह से हुआ, ग्लैंड्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं जहाँ से न्यूरॉन्स यानी जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हार्मोन्स फिर चेंजेस लेके आते हैं। और मसल और ग्लैंड्स को बच्चे याद रखिएगा इफेक्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे दिखाया गया, पहले कोई चेंज आई, स्टिमुलस आई, और स्टिमुलस को हमेशा रिसेप्टर रिसीव करके बता देता है। फिर यहाँ से देखिए ये जो मसल या ग्लैंड, इनको इफेक्टर्स कहा, ये रिस्पॉन्स शो करते हैं, और ये इसी तरह से ये फीडबैक होता रहता है, हमें मिलता रहता है स्टिमुलस के बारे में। तो ये चेन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली बार फिर आएंगे।